अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, मुंह से निकाल दो माइक्रोफोन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, का एहसान है, हुक्म करो। ये से ठीक है, थैंक यू सर। दो तीन सवाल है मेरे, छोटे छोटे से बस। जी क्या सवाल है? सर मैं नमाज पढ़ता हूँ पांचों वक्त की, तो जिस तरह मेरा दिल करता है मैं वैसे पढ़ लेता हूँ, मतलब हाथ छोड़ के पढ़ लेता हूँ, हाथ बांध के रफली। तो क्या ये मेरा नजरिया किधर ओके ओके। नमाज मर्जी से नहीं होती भाई, कि जैसे मर्जी नमाज पढ़ें भाई, नमाज उसी तरह होगी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। अगर किसी हदीस में है कि तुम जिस तरह मर्जी नमाज पढ़ो तो सर नमाज पढ़ो, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हदीस में नहीं है कि वो हाथ बांध के पढ़ते थे, तो आप हाथ बांध के नहीं पढ़ सकते। ओके अच्छा, अब इमाद साहब तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम इमादुल इस्लाम साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। खैरियत ठीक है, अल्लाह आपको इज्जत सलामती दे। थैंक यू सर। बस मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है और मेरे पास भी टाइम शॉर्ट है, बस सर बात करके मैं आपसे मोहम्मद। जो माशाल्लाह आप मेहनत कर रहे हैं, खास तौर पर मैं तो अभी अल्लाह की कसम मैं किसी शिया आलिम की मुहक्किक की बात सुन के अहले बैत पर नहीं रोया। जो आपने थोड़ी देर पहले इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम की बात की है, मसाइब पढ़े में, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। और होता वही है जो हुसैन ही होता है। अल्लाह की कसम जान अल्लाह को होती है, कोई मैं दिखलावा नहीं कर रहा, मैं अहले बैत का आशिक हूँ और आपको मैं सलाम सलूट पेश करता हूँ। और आपके जरिए बहुत ज्यादा अहले बैत का इश्क आया है अल्लाह के फजल से, अहले बैत का इश्क आया है अल्लाह के फजल से। और इसलिए मैं अहले बैत का आशिक हूँ कि मेरे नबी की आल है और हम दुरूद व सलाम भेजते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरी बात यह कि मुझे लोग कहते हैं सुन्नी खास तौर पर, तुम अहले बैत की शान बयान करते हो, गुलू करते हो, उनको अल्लाह से डरना चाहिए। और उनके लिए तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है, अहले बैत से मोहब्बत का नाम अगर शिया होना है, ऐ जिन और इंस गवाह हो जाओ मैं शिया हूँ। मेरे उस्ताद मौलाना तारिक जमील साहब भी हुसैनी हैं, अहले बैत के आशिक हैं उन्होंने, बल्कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ अहले बैत के पर, ये हसन अली यारी भाई, ये किताब गुलदस्ता अहले बैत भी लिखी है, तस्नीफ की है। और उसको आपने बुलाया नहीं है? हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि उनको बुला के लेके आए, बुलाया नहीं था आपने उनको, दावत नहीं दी हमारे जाने से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना तारिक जमील साहब अभी इंग्लैंड है, तो अभी उनके बयान चाह रहे, वो जब भी इंशाल्लाह इंग्लैंड में भी तो इंटरनेट है ना, कैमरा शैमरा है ना, वेबकैम उधर भी। जी जी मैं जरूर आपका पैगाम सर आंखों पर है हसन भाई। और शिया सुन्नी आपस में मोहब्बत, आपस में प्यार, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर काम करें, मैं आपके साथ हूँ। शिया तमाम उलमा के अवाम के साथ हूँ, सिर्फ अहले बैत अतहार के सदके। और मेरे आपको सलाम दीजिए, आप ही मेरी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे नजफ करबला लेकर जाए, कि अल्लाह को वसीला बना दे, दुआएं कबूल कर ले कि मैं वहाँ जाऊँ मौला अली अलैहिस्सलाम और मौला हसन मौला हुसैन अली मुकाम के, और ताकि मैं ज़ियारत के लिए जाना चाहता हूँ, सब मेरे लिए दुआ करें। और इत्तेहाद उम्मत पर काम करना चाहता हूँ, इस पर भी दुआ करें। और मैं मिल भी रहा हूँ उलमा से, शिया हो सुन्नी हो, मिल भी रहा हूँ, बस अल्लाह ताला में अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू थैंक यू, हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामती दे, इज्जत दे, तुल उम्र दे, तौफीक दे इंशाल्लाह, कि हक बात को सुने, हक बात को कबूल करें इंशाल्लाह, और हक बात के इकरार करें, यह ज्यादा अहम है इंशाल्लाह। अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। आपको सलाम, आपको सलाम।